गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दो दिन पहले जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था तो मैंने आपको सबको बधाई दी थी कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में आ गए हैं। तो साथियों, चर्चा शुरू करते हैं। आप सभी, जब भी मैं आपको प्रश्न पूछूंगा तो आप सभी म्यूट पे अटके और अनम्यूट हो जाएंगे और बातचीत करेंगे। तो आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है अध्यापक और बच्चे। कुछ बच्चों के बारे में कुछ अध्यापकों की ये राय है कि बच्चे जो है ना, वो जब पैदा होते हैं तभी वो टैलेंट के साथ पैदा होते हैं और उन पे तो कोई काम, मतलब वो अपना काम बेहतर कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे टैलेंट के साथ पैदा नहीं होते वो अपना काम बेहतर नहीं कर सकते और वो वैसे ही रहते हैं। तो आपका क्या विचार है कि क्या बच्चे जब पैदा होते हैं तब भी बाय बर्थ उनका ब्रेन इतना विकसित होता है कि वो सारी चीजों को सीख लेते हैं, या समय के साथ साथ ब्रेन की ग्रोथ होती है, और ब्रेन की ग्रोथ कैसे होती है इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले मुझे ये बताइए, क्या बच्चा जन्म से ही इंटेलिजेंट पैदा होता है या समय के साथ बनता है? आप में से कोई भी साथी मुझे ये बताए। सर, समय के साथ साथ बनता है। समय के साथ साथ पैदा होते वक्त उसमें ऐसा कोई विशेष नहीं है, समय के साथ साथ बच्चा इंटेलिजेंट बनता है। ठीक है, और कोई साथी? सर, कुछ बच्चे बाय बर्थ भी होते हैं जिनका, मतलब जल्दी सीखते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, इसमें थोड़ा हाथ होता है सर। ठीक है, थैंक यू। चलिए, इसी तरह से कुछ सर, कुछ बोर्ड गिफ्टेड भी होते हैं, कुछ बोर्ड गिफ्टेड भी होते हैं। हाँ सर, जेनेटिक्स भी है, कुछ आनुवांशिक। हाँ, चलिए ठीक है, आप अब मुझे इस बात को आगे बढ़ाने दें। धन्यवाद, हमारे चार साथियों ने अपनी राय रखी। मैं आपके सामने एक रिसर्च के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूं, आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जो बॉयलर, एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की जो दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, उसमें प्रोफेसर हैं, और वो पहले लंदन स्कूल में, लंदन के किसी स्कूल में टीचर थी, और अपने आप को अपडेट करके उन्होंने आज अपने आप को एक प्रोफेसर के पद पर अमेरिका में एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्थापित किया, और वो अमेरिका की टॉप जो करिकुलम डिसाइडिंग कमेटी है, जो सिलेबस बनाती है, उन 5 सदस्यों की टीम में एक अहम मेंबर। तो दुनिया के जाने माने विशेषज्ञों में से एक है। उन्होंने बच्चों के ऊपर उनकी ब्रेन की रिसर्च की एक न्यूरोलॉजिस्ट के साथ मिलकर, न्यूरोसाइंटिस्ट मतलब जो ब्रेन पर रिसर्च करते हैं, न्यूरोसाइंटिस्ट के साथ मिलकर रिसर्च की। इस रिसर्च में उन्होंने बच्चों के ब्रेन की एक्टिविटी को नोट किया कि ब्रेन में जब हम उनको कोई टास्क देते हैं, कोई काम देते हैं, तो उनके ब्रेन में क्या हलचल होती। तो इसको नोट करने के लिए जब उन्होंने 3 वर्ष तक उनका अध्ययन किया, तो साथियों, उस अध्ययन में उन्होंने क्या पाया वो आप जानिए कि बच्चे के ब्रेन के अंदर ग्रोथ होती है, एक न्यूरॉन होते हैं जो नए न्यूरॉन बनने शुरू हो जाते हैं, जो हमारे ब्रेन की ग्रोथ को न्यूरॉन के माध्यम से हम बताते हैं, या जो पहले से बनी हुई है उनमें ज्यादा स्ट्रेंथनिंग हो जाती है। लेकिन वो कब होती है, ध्यान दीजिए, केवल तभी जब बच्चे को हमने कोई सोचने का, कोई जूझने का, जिसमें चुनौती थी, बच्चा स्ट्रगल कर रहा था, तब उसके ब्रेन में वो नए न्यूरॉन या पहले से जो बनी हुई थी वो ज्यादा मजबूत बन रहे थे। लेकिन जब बच्चों को एक नॉर्मल टास्क, वैसा टास्क कि जैसे पहले कोई एक प्रश्न मास्टर जी ने कर दिया और वैसा ही सेम प्रश्न अगर बच्चों को करने के लिए दे दिया,
या जैसे एक उदाहरण देता हूं कि एक प्रश्न है, मास्टर जी ने बताया कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, बच्चों ने याद कर लिया, और वही प्रश्न जब बच्चों से पूछा गया तो बच्चों ने इसमें कोई सोचना नहीं हुआ, उनकी याददाश्त उन्होंने याद किया और यूं का यूं रिप्रोड्यूस कर दिया। इसी तरह से इसकी जगह एक प्रश्न ये पूछा गया कि महात्मा गांधी ने जो जो हमें शिक्षा दी उनको आप अपने जीवन में कहां देखी, आपने कहां अप्लाई, अहिंसा की मान ले बात कर ले तो आपने अपने जीवन में कहां अप्लाई किया। एक प्रश्न तो सीधा है, उनका जन्म कहां हुआ, उनका जन्म किस दिन हुआ, उन्होंने किस तिथि में क्या काम किया, एक तो इस तरह के प्रश्न सीधे इंफॉर्मेशन नॉलेज के प्रश्न, उसमें कोई ब्रेन ग्रोथ नहीं है। ब्रेन ग्रोथ है तो बहुत माइन्यूट है, लेकिन मेन जो न्यूरॉन बनते हैं जब बच्चों के माइंड में ग्रोथ होती है, ब्रेन में ग्रोथ होती है, तो वो तभी होती है जब बच्चे को सोचना पड़े, उसका उत्तर उसने पहले नहीं दिया, उसने अब सोचना है इसका उत्तर। तो जब बच्चा सोचना शुरू करता है, जूझता है, तो वो ब्रेन ग्रो करता है। और हमारे साथियों ने बिल्कुल सही कहा, समय के साथ साथ ब्रेन ग्रो करता है, लेकिन कब, केवल तभी जब बच्चा सोचता है, जब बच्चा जूझता है, किसी चीज में घुस जाता है और उसके बारे में सोचकर अपना हल निकालता है, तभी ब्रेन ग्रो करता है। आपने देखा होगा जैसे हम ये एक निर्णय ले लेते हैं कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है और ये इंटेलिजेंट नहीं है, ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता, वो केवल हमारे टीचर के, उसके माता पिता के, सबके व्यवहार के कारण या उनको दिए गई अपॉर्चुनिटीज, मौके। बच्चे को जब जूझने का मौका नहीं मिलता, या कभी मिला तो उसको गलत होकर उसको इतना डांट दिया कि वो दोबारा उसको जूझने का कोशिश नहीं करता। तो जब जब बच्चे को जूझने का मौका नहीं मिला तो उसके दिमाग में ये बैठ गया कि वो अगर नहीं कर पाया तो वो उसके दिमाग में ये बैठ गया कि वो नहीं कर सकता। उसको फिर मास्टर जी बताते हैं, यानी कि वो धक्का स्टार्ट रहता है, मास्टर जी बताते हैं तो वो करता है, अपने ब्रेन से नहीं करता, तो वो बच्चे बन जाते हैं फिक्स्ड माइंडसेट, वो नया कुछ नहीं कर पाते, वो कोशिश ही नहीं करते, जब भी कोई मुश्किल आती है वो दूसरों से पूछ कर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के बच्चे होते हैं वो हमने बनाए हैं, मैं फिर कह रहा हूं, वो हमने, आपने, टीचर्स ने, समाज ने और माता पिता ने, वो केवल उनको मौके ही नहीं मिले कि वो सोच सकें, जूझ सकें, या कभी जूझने का मौका दिया, थोड़ा अटका, तो अभी सोच रहा है बच्चा, लेकिन मास्टर जी ने हिंट दे दिया, बड़ा टाइम लग रहा है, समझा दो, तो मास्टर जी ने हिंट दे दिया, यानी इसको थाली में परोस कर दे दिया, बच्चे का सोचना बंद हो गया, मास्टर जी ने जो बताया वही रामबाण बन गया और वही उनके लिए सब कुछ हो गया, उसी को याद करते। तो याद करना और सोचना, सीखना, दोनों अलग अलग। बच्चे याद कर वही उत्तर दे देते हैं, कोई इसमें ब्रेन ग्रोथ नहीं है, सेम रिपीट कर देना। ब्रेन ग्रोथ हम उसको कहेंगे जब बच्चे के अंदर नए न्यूरॉन बनेंगे, जब बच्चा जूझेगा, जूझते हुए उस प्रश्न के बारे में सोचेगा, उसके नियम ढूंढेगा और उसको उत्तर अपने अपने शब्दों में देगा, अपने विचार प्रकट करेगा, तो ही उसके ब्रेन की ग्रोथ। तो साथियों, सबसे पहला मेरा ये था जो आज मैंने बातचीत शुरू की है कि हर बच्चा ग्रो कर सकता है, हर बच्चा मेहनत करके इंटेलिजेंट बन सकता है, अगर हमने उसको सोचने के, खुद करने के मौके दिए। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए एक मशीन में और एक बच्चे में क्या फर्क, एक मशीन में और एक बच्चे में क्या फर्क है, बताइए, कोई भी अनम्यूट करके बताएं। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो
नमस्कार सर, ब्रेन में भावना नहीं होती, इमोशन नहीं होती, सॉरी ब्रेन में होती है, मशीन में नहीं होती। ब्रेन में भावना भी है, इमोशंस भी हैं, उसकी बच्चे में लर्निंग, बच्चे में ब्रेन है तो उसमें भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, बिल्कुल सही। सर मशीन में जो हम फीड करेंगे वही आएगा, ही बच्चे में गुण आएंगे। बिल्कुल ठीक कहा, दोनों साथियों ने एक ही बात कही, मशीन में जो प्रोग्राम डालेंगे वो वैसा ही करेगी, जो प्रोग्राम डालेंगे वैसा ही करेगी मशीन में, ये है, बच्चे में ऐसा नहीं है। विजेंद्र जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सर जैसे मशीन में तो जो करेंगे वही काम करेगी, बच्चा अपने दिमाग से सोच के अलग नहीं करते, बच्चा अपने दिमाग से सोच के अलग करेगा, जैसा उसका लगेगा मशीन वही करेगी जैसा हम सामान करेंगे। बिल्कुल सही कहा विजेंद्र जी। हाँ जी, कोई और साथी कुछ कह रहे थे? हेलो, बात कहकर म्यूट हो जाए, कैमरा बंद कर दें। बच्चा इमेजिनेशन कर सकता है, इमेजिन कर सकता है, नए नए आइडियाज को क्रिएट कर सकता है। बहुत बढ़िया ओम प्रकाश जी, आपने बहुत बढ़िया कहा, बच्चा सोच सकता है तो वो नए नए आइडियाज ला सकता है। अब देखिए इस प्रश्न के आपको और ज्यादा बेहतर करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंखा एक मशीन है, आप सभी जहां बैठे हैं पंखा चल रहा है, आपने बटन दबाया पंखा चल पड़ा और वो एक पर्टिकुलर दिशा में घूमता है, उसमें फीड है कि इसको ऐसे घूमना है और वो वैसे ही घूमता है, बटन दबाया चल पड़ा घूमने लगे। अब बच्चे को कहा घुमाओ, पहले तो बच्चे का मन है या नहीं है वो तभी घुमाएगा, और फिर घुमाएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज भी क्लॉकवाइज भी या बीच से पकड़ के हाथ से घुमा दे, वो कई तरीकों से कर सकता है, लेकिन पंखा जैसा उसमें डला हुआ है वैसा ही एक ही दिशा में घूमेगा। और पंखा कभी नहीं कहेगा इमोशन की जैसे बात की कि आज मेरा मन नहीं है मैं नहीं चलूंगा, वो तो बटन दबाया और चालू। बच्चे के बारे में आपको सोचना है कि जब हमने कक्षा कक्ष में उससे बातचीत करनी है तो पहले उसका मन हमसे जुड़ना चाहिए, उसकी रुचि हमारे कंसेप्ट में आनी चाहिए, तब वो जुड़ेगा। वो मशीन नहीं है, चलो भाई पढ़ो, चलो भाई ये याद करो, चलो भाई ये करो, मशीन नहीं है, बटन दबाते ही चालू हो जाएगा। सर एक मिनट, सर बच्चे के दिमाग में सोचने की क्षमता जैसे ही पैदा होगी वो उत्सुक होगा कि इसको मैं कैसे ऑपरेट करूं, मशीन को चलाने के लिए उसके दिमाग में ही उसके बारे में चिंतन करेगा, तभी जाके वो करेगा, और वो सोच उसको पैदा करनी पड़ेगी अपने दिमाग में। सर बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल, जो मशीन और बच्चे में अंतर, उन्होंने आपने इस बात को एक बार दोबारा स्ट्रेंथन किया हमारी बात को कि बच्चा सोचता है, इमेजिन करता है। सुनील जी धन्यवाद। तो बच्चा इमेजिन कर सकता है, सोच सकता है, लेकिन उसकी रुचि होगी तब वो सोचेगा। दोनों महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक बात, मशीन जो है वो रुचि की कोई बात नहीं, पंखे का बटन दबाया चल पड़ेगा, वो कभी नहीं कहेगा कि मेरा मन नहीं है, लेकिन बच्चे की पहले रुचि इंपॉर्टेंट है, उसका मन करेगा तो वो आपके साथ जुड़ेगा और आपके साथ बातचीत करेगा। लेकिन दूसरी बात, अब जो सोचने वाली बात है कि पंखा तो एक ही दिशा में घूम जाएगा, लेकिन बच्चा कैसे भी घुमा सकता है, तो आपने टीचर के साथ ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपने पूछना है टीचर से, अपने सभी टीचर के साथ मीटिंग करेंगे और पूछेंगे कि बच्चे में और मशीन में क्या अंतर है, बच्चे में और मशीन में क्या अंतर है, फिर टीचर आपको उत्तर देंगे जो आप दे रहे हैं, और तब आपने उनसे बातचीत करनी है कि वाकई जो हम डील कर रहे हैं, क्या हम बच्चे को मशीन समझकर कर रहे हैं, हम कक्षा कक्ष में जिस तरह से बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, क्या हम एक मशीन की तरह एक प्रश्न हल कर दिया भाई ऐसे ही कर दो, एक प्रश्न बोला उसका उत्तर लिखवा दिया, अब उत्तर लिखवा दिया बच्चे ने यूं का यूं नोट कर लिया, बच्चे ने तो कुछ नहीं सोचा, मास्टर जी ने लिखवा दिया, बच्चे ने नोट कर लिया और पेपर में यूं का यूं कर दिया, तो ये क्या हम मशीन की तरह काम करवाना चाह रहे हैं बच्चे से, या मास्टर जी ने उसको एक मौका दिया, बच्चे ने सोचकर उसका उत्तर दिया और वो अपने हिसाब से कर पाया, पहले रुचि कि वो उस चीज को सोचे और फिर उसको खुद सोचने का मौका दिया। अब इसके बारे में मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं कि कैसे कक्षा कक्ष में
बच्चे को बिना मशीन समझे आप उनको मौका दे सकते हैं। तो लैंग्वेज का और मैथमेटिक्स का मैं दो तरह के प्रश्नों का आपको सामने डील करके दिखाऊंगा। भाषा, भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम कक्षा कक्ष में भाषा, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है या और संस्कृत है, ये सभी भाषाएं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा कक्ष में, स्कूल में बच्चों को भाषा का ज्ञान कराने, क्या है मुख्य उद्देश्य? भाषा क्यों पढ़ते हैं क्लास में? सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है भाषा का? संवाद, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कम्युनिकेशन से मतलब है कि बच्चा अपनी बात को कह सके, अपने अपनी बात को शब्दों में पिरो सके, चाहे लिखकर चाहे बोलकर। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे निष्ठा कार्यक्रम के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा, ट्रेनिंग में भी ये इस तरह की एक्टिविटी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में कराई गई थी कि कक्षा कक्ष में टीचर ने बच्चों के सामने कहा कि ये सेब है, इस पर एक 5-10 लाइनें लिखनी है, या प्रस्ताव जैसे हम कहते हैं, मेरा सबसे जो फल में जो सबसे आपको जो सबसे अच्छा फल लिखता है उस पर पंक्तियां लिखिए, 10 पंक्तियां लिखिए। तो मास्टर जी ने ये प्रश्न की तैयारी कराई, ब्लैक बोर्ड पे लिख दी सबसे पहले बहुत सुंदर कि सेब एक पौष्टिक आहार है, सेब लाल रंग का होता है, इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, ये सर्दियों में होता है, ये इस तरह से उसने 10 लाइनें मास्टर जी ने ब्लैक बोर्ड पर लिख दी, बच्चों ने यूं की यूं कॉपी में उतार ली और नोट कर। मास्टर जी ने कहा कि भाई कल अपने होमवर्क की कॉपी में बहुत सुंदर लिख के लाना और सेब का चित्र भी बना के लाना। अगले दिन बच्चे सभी यूं के यूं 10 की 10 लाइनें लिख के ले आए, सेब का चित्र बना दिया, सुंदर राइटिंग, सबकी कॉपी बहुत सुंदर, और सबको मास्टर जी ने एक्सीलेंट दे दिया। और बल्कि प्रिंसिपल साहब आए या हेडमास्टर साहब आए, उन्होंने कहा भाई बहुत बढ़िया भाई, तेरे बच्चे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया भाई, तुम तो बहुत बढ़िया काम करा रहे हो। और बच्चों ने सबने याद कर ली वो लाइनें, और जब मास्टर का सुनाओ तो यूं की यूं 10 की 10 लाइनें सुना दी। तो एक टीचर ने ये कार्य किया। दूसरे टीचर ने क्या किया, कक्षा में आए और उन्होंने कहा भाई कक्षा में एक तो सेब का फल लेके आए, सेब लेके आए, चलो भाई, उन्होंने कहा भाई ये सेब है, इसके बारे में तू आप कोई लाइन बोलो, कुछ भी, आप सेब के बारे में क्या जानते हो, पहले बच्चे को कहा कि आप बताओ कि सेब के बारे में क्या जानते हो। तो उसने कहा जी ये गोल है। ठीक है जी, बच्चे ने पहले ने बात कह दी, अब उन्होंने ठीक है बेटा बैठो। अब दूसरे बच्चे को कहा, दूसरे कहा जी ये लाल रंग का है, बहुत बढ़िया शाबाश बैठ जाओ। फिर तीसरे बच्चे को कहा कि आप बताओ, उसने कहा जी ये मीठा होता है, ठीक है बैठ जाओ। तीसरे का जी इसमें बहुत विटामिन होते हैं, ठीक है बैठ जाओ। उसने कहा जी एक ने कहा ये सर्दियों में होता है, ठीक है। इस तरह से बारी बारी से कक्षा में 20 बच्चे हैं, सबने अलग अलग, हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम उनको आगे सेब काट कर खिलाते हैं, ऐसी अनेक पंक्तियां बच्चे बोलते गए और अपने मन से कहते। अब आप बताइए, और अच्छा इनको भी मास्टर जी कहा भी अब सारी बातें ना ये कल तुम अपनी कॉपी में लिख कर लाना, चर्चा कर दी और बच्चों को कह दिया कि कल अपनी कॉपी में लिख के लाना। अगले दिन जब बच्चे कॉपी में लिख के लाए तो उनमें काफी सारी गलतियां थी। पहले वाले मास्टर जी ने तो ब्लैक बोर्ड पे सब लिख दिया था, बच्चों ने यूं का यूं उतार दिया था, अब बच्चों की गलतियां थी। तो मास्टर जी ने गलतियों के बारे में जो जो गलतियां थी वो नोट कर ली, बच्चों को कुछ नहीं कहा, और अगले दिन उन्हीं शब्दों के बारे में दोबारा से गलतियां कैसे ठीक की वो आगे अगला विषय है। अभी मैं केवल, अब प्रिंसिपल साहब इनको भी कॉपी देखने आए तो इनकी कॉपियां बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी क्योंकि उनमें गलतियां थी, और पहले वाले टीचर को प्रिंसिपल ने भी वेरी गुड कहा, डीओ ने भी वेरी गुड कहा, और टीचर ने भी बहुत सुंदर सारा काम किया था, लेकिन दूसरे टीचर की कॉपियां सुंदर नहीं दिखाई थी। हाँ, जब बच्चों से कहा गया कि आप बोलो तो बच्चे बेझिझक होकर बोले। अब आपके हिसाब से आप बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सा तरीका
ज्यादा बेहतर है। सर दूसरे वाला तरीका बेहतर है बच्चों के मानसिक विकास के लिए, और जिस चीज की जानकारी हम लेते हैं उस चीज की तह तक पहुंचने के लिए। बहुत बढ़िया जयप्रकाश जी। और कोई साथी? एक्सक्यूज मी सर, बच्चों को अगर हम टाइम देते हैं, उनको बोलने का अवसर देते हैं, सोचने का अवसर देते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर करेंगे। हमें अगर अपना उन पर थोपेंगे तो वो उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे, वो तो रटाफिकेशन हो जाएगा। जबकि बच्चे को हम टाइम देते हैं तो वो अपना सोच के उसको बढ़िया लगेगा। सर थैंक यू सर। तो सेकंड वाले टीचर ने मतलब अच्छी तरह से सोचने का मौका दिया। ठीक है, और कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं? और मैं जब बच्चे को सर जब बच्चे को बोलने का मौका देंगे सर जब बच्चे को बोलने का मौका देंगे तो कुछ बातें बच्चे ऐसी बता सकते हैं जो हम हमारे दिमाग से में हम सोच नहीं सकते। बच्चे से जब निकलेगी तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चे का नॉलेज कितना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता, बच्चा उस चीज को बता देता है। बिल्कुल सही कहा। अब मान लीजिए एक बच्चा ये कह देता कि सेब गर्मियों में होता है जी, तो और सेब खट्टा होता है, तब क्या था, तब मास्टर जी का क्या रिएक्शन होना चाहिए था? सेब गर्मियों में होता है नहीं सर, उसको वो तो बच्चे को बच्चे ने तो एकदम कह दिया, बच्चा सोच टीचर उस समय सोचेगा ये बच्चे ने जो बोला उसको वो बच्चे ने जो बोला वो सही बोला या गलत बोला, ये बच्चा टीचर बाद में उसको समझाएगा नहीं बेटे ऐसा नहीं है, इसका उत्तर आपने जो दिया वो इस तरह उत्तर है इसका। चलिए सुनील जी, मैं इस पे और बात करना चाहता था। सुनिए। हाँ जी सर। हाँ जी सर, प्लीज आप मुझे आज की मूल्यांकन पद्धति को आप गौर कीजिए, वहां पर बच्चे का वो नहीं देखा जाता, वहां पर ये देखा जाता कि बच्चे ने लिखा क्या है, बेशक उसने रट के लिखा है पता नहीं, उसने अगर सोच करके लिखता है उसकी तरफ तो मूल्यांकन में भी शायद थोड़ी कमी रह जाती है, उसको पूरी तवज्जो नहीं मिलती जी। ठीक है, देखिए 21st सेंचुरी स्किल्स जो है बच्चे तो, एक मिनट आप प्लीज मुझे करने दीजिए, धन्यवाद। देखिए बच्चे ने कह दिया गर्मियों में होता है, बच्चे ने क्योंकि अपने अनुभव से कहा है, बच्चे ने देखा कि गर्मियों में भी फल मिल रहा है सेब का, तो उसने कह दिया गर्मियों में होता है। बच्चे अपने अनुभव से बात, बच्चे को कभी सेब हरे रंग का खा लिया या कोई ऐसा सेब खा लिया जो खट्टा था, उसने अपने अनुभव से कहा है। तो सही या गलत की पहचान नहीं करनी है हमें यहाँ, हमें यह देखना है कि बच्चा अपनी बातों को कह रहा है, बोल पा रहा है, सोच रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसका रीजन लॉजिक हमें टीचर को सोचना है कि भाई उसने तो अपने अनुभव पे कहा है कि उसने गर्मी में सेब खाया था, तो उसने कहा गर्मियों में भी होता है, तो उसने क्योंकि उसको नहीं पता पहाड़ों पे ये सर्दी ठंडे मौसम में होता है ये, तो वो चीजें हमें बच्चों तक पहुंचाने का, टीचर तक पहुंचाने का कार्य करना है कि गलत या सही नहीं है। यहाँ महत्वपूर्ण है बच्चा अपनी बात को रख रहा है, बच्चा अपनी बात को कह रहा है, वो किस परिप्रेक्ष्य में अपने अनुभव के आधार पर कह रहा है, हमारे टीचर्स को इस पर सोचना है। हमें बच्चों को सिर्फ बोर्ड में परीक्षाओं के लिए नहीं, उनके दैनिक जीवन में उनको एक बेहतर व्यक्तित्व के रूप में विकसित करना, वो अपनी बात को कह सके। भाषा का मुख्य उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपनी बात को कह सके सही शब्दों में। तो अब हमारे में से काफी लोग बोल नहीं पाते, हमारे में से क्लास में बच्चे बैठे होते हैं तो बोलने के लिए कहते तो बोल नहीं पाते, क्यों? कभी उनको मौका ही नहीं दिया बोलने का। यहाँ टीचर ने क्लास में 25 बच्चे हैं तो 25 के 25 को मौका दिया बोलने का, खड़े होकर सबने अपनी बात कही और किसी को गलत नहीं कहा, सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाया। और पहले वाले टीचर ने एक मशीन की तरह बच्चे के दिमाग में डाल दी 10 लाइनें, बच्चे ने यूं की यूं लिख दी, वो चाहे 100 में से 100 नंबर ले लें लेकिन जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। जीवन में सफल वही व्यक्ति होगा जो अपने काम को स्वयं करेगा, अपनी बात को बोल पाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि क्या बच्चे को मशीन की तरह, पहले टीचर ने मशीन की तरह उसके अंदर प्रोग्राम डाल दिया, उसने वही किया, और दूसरे टीचर ने क्योंकि उसके अंदर दिमाग है, उसने उसके दिमाग को यूज करने का मौका दिया, उसके ब्रेन को ग्रो करने का मौका दिया। पहले वाले टीचर ने उनके ब्रेन की ग्रोथ को बढ़ाया नहीं, वैसे का वैसे जैसा है वैसे का वैसे रहने। तो साथियों ये मैंने पहला उदाहरण दिया कि कक्षा कक्ष में टीचर को किस तरह से डील करना चाहिए, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल ऑफ लर्निंग।
बच्चा अपने ज्ञान की संरचना खुद कर रहा है, खुद उसको जोड़ रहा है, खुद कर रहा है, खुद अपना ज्ञान अर्जित कर रहा है। वहां टीचर दे रहा है, याद कर रहा है, रट्टा मार रहा है, तो रटवाना है या बच्चे को सीखने का मौका देना, एक बात। अब दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, टीचर, एक टीचर क्लास में आए और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर पहले लिख दिया कि किसी संख्या को जीरो से गुना करते हैं तो उत्तर जीरो आता है, किसी संख्या को शून्य से गुना करने पर शून्य प्राप्त होता है, ये लाइन लिख दी। बच्चों ने कॉपी में उतार ली, बच्चों को कहा भाई ये याद कर लो, बहुत काम आएगी ये। बच्चों ने याद कर लिया, भाई कल लिख के भी लाना और मैं तुम्हारे से, उन्होंने एक प्रश्न, एक 15 को जीरो से गुना करके भी दिखा दिया, 15 गुना जीरो जीरो। और ये बच्चों का भी ऐसा यूं का यूं तुम कॉपी पे लिख के ले आना कल, और कल मैं सुनूंगा। और मास्टर जी ने अगले दिन सुना और बच्चों ने सुना दिया, प्रिंसिपल साहब आए, उनके सामने भी बच्चों ने ज्यादातर ने ये बात सुना दी, किसी संख्या को जीरो से गुना करते हैं तो उत्तर जीरो आता है। बहुत बढ़िया, मास्टर जी बोले, हेडमास्टर साहब बोले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कॉपी बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो मास्टर जी। अब दूसरे मास्टर जी देखिए कैसे, वो कक्षा कक्ष में आए और उन्होंने कहा भाई पहले तो उन्होंने जीरो से गुना करना कि 3 × 0 यानी कि 3 × 0, तो 0 × 0 × 0 3 × 0 को जोड़ा, इसको लिख दिया बराबर 3 × 0 उत्तर जीरो। उन्होंने 5 × 0 उसको लिखा, फिर 0 × 0 × 0 × 0 × 0 5 × 0 जोड़ा, और जीरो में कुछ भी जीरो जोड़े, जोड़ना पहले सीख चुका है, अब गुणा की बारी है आज, तो वो जीरो आ गया। तो मास्टर जी ने पहले तो जीरो से गुणा करना उसको क्लियर कर दिया, फिर उसके बाद कहा चलो अच्छा अब ऐसा करो 27 को जीरो से गुणा करके दिखाओ। 27 लिख दिया, बच्चों ने जीरो से जीरो 7 × 0 × 0 2 × 0 क्योंकि गुणा करना वो सीख गए, तो 27 × 0 जीरो आ गया, तो जीरो। अच्छा भाई 348 को जीरो से गुणा करो, 0 × 8 × 0 × 0 × 4 × 0 बच्चों ने सबने गुणा किया, 0 उत्तर आ गया। फिर 4 अंकों की संख्या बोल दी, उसको 0 से गुणा करा दिया, फिर 5 अंकों की संख्या बोली, मास्टर जी नहीं कर रहे, बच्चों से करवा रहे, फिर 4 अंकों की 0 से करा दिया, फिर 5 अंकों की 0 से करा दिया, और फिर कहा 10 अंकों की एक संख्या ब्लैक बोर्ड पर लिख दी। भाई कोई बच्चा है जो बिना 0 से गुणा करे हमें बता दे कि इसका उत्तर क्या आएगा? सबके हाथ खड़े हो गए ज्यादातर के कि जी इसका उत्तर जीरो आएगा। अब देखिए ये दूसरे टीचर ने अपने कार्य को कराया और बच्चों ने उत्तर दे दिए। अब देखिए दो टीचर हैं आपके सामने, एक टीचर ने यू का यू पूरी स्टेटमेंट लिख दी, बच्चों ने यू का यू लिख दी, बच्चों को एक गुना करके दिखा दिया, बच्चों को अगले दिन सुना भी दिया, रट लिए सारे। और दूसरे टीचर ने कैसे किया आपको हिसाब से, कौन सा बेहतर है और क्या तरीका अपनाया बताइए, कौन सा टीचर बेहतर है और दूसरे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए सतीश जी। सर जिस टीचर ने बच्चों से करवाया वो बेस्ट है, ताकि बच्चों में क्रिएटिविटी बनी है और उससे उनका दिमाग ब्रेन की ग्रोथ होती है सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। एक्चुअली टीचर ने बच्चे को नियम बनाने का मौका दिया, बच्चों ने नियम ढूंढ लिया, मास्टर जी ने तो नियम सीधा लिखवा दिया पहले वाले ने, यहां बच्चों ने नियम को ढूंढा और ढूंढकर अपने आप अप्लाई भी कर दिया। तो देखिए हमें अपने टीचर्स के साथ इन बातों को लेके जाना है, आपने उदाहरण रखने हैं कि दोनों में से आपको कौन सा बेहतर लग रहा है। टीचर जो बच्चों को सोचने का करने का मौका दे रहा है वो बच्चों की ब्रेन की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, और पहले वाला टीचर केवल उनको रटने का याद करने का तरीका कर रहा है।